आज मैं तीन तरह की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, सादा रोटी, चाट और खस्ता कचौड़ी। फ्रेंड्स, आज मेरे घर में बच्चों की काफ़ी डिमांड थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके सामने भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माई किचन में। मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मटर ली हूँ, ये 250 ग्राम मटर है, उसको रात भर पानी में भिंगो ली हूँ और इसके बाद कुकर में डाली हूँ। जितना मटर था उसे डबल पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये कच्चा आलू है जिसको छील करके अच्छी तरह से धो ली हूँ और फिर मटर में ही इसे भी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं काबली मटर ली हूँ। तो यहाँ पर मैं 8 से 9 मीडियम साइज़ का आलू ले रही हूँ। इसमें डालूँगी नमक, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और हल्दी 1/2 टीस्पून। फ्रेंड्स, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि और जो रेसिपी बनाएंगे उसमें भी नमक पड़ेगा, तो इसमें नमक स्टार्टिंग में कम ही डालेंगे और उसमें सीटी लगा करके उसमें कम से कम 4 सीटी लगाएंगे। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिल्कुल सादा रोटी बनाने वाली हूँ, प्लेन रोटी, फुलका भी उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा है और इसे पानी से डाल करके थोड़ा थोड़ा और इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। पानी की कम या ज़्यादा भी लग सकता है, तो ये आपके आटा की क्वालिटी पे निर्भर करता है कि पानी कितना ऑब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से अच्छी तरह से इसे मसल मसल करके और गूंथेंगे। इस तरह से मसलने से रोटी काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम बनता है। इसे 3 से 4 मिनट के लिए मसलेंगे और फिर इसे गूंथ करके और इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर दूसरा तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर धनिया का पत्ता, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज ले रही हूँ। 4 प्याज ली हूँ, 1 टमाटर है, थोड़ा सा धनिया का पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च। आप कितना तीखा पसंद करते हैं उतना हरी मिर्च आप ले लीजिए। और प्याज को छील करके 4 टुकड़ा कर ली हूँ, ऐसे चॉपर से चॉप कर लूँगी। इसे हल्का मोटा ही चॉप करूंगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर रही हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं 1 टमाटर का भी 4 टुकड़ा कर ले रही हूँ और इसे भी चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो चाकू से छोटा छोटा टुकड़ा भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चॉप कर दे रही हूँ। टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। इन सभी को एक बर्तन में निकाल लेंगे और तब तक मैं खस्ता कचौड़ी या लिट्टी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कचौड़ी में दाल स्टफिंग किया जाता है, मैं यहाँ पे सत्तू का स्टफिंग कर रही हूँ, तो इसे खस्ता लिट्टी भी बोल सकते हैं आप। तो मैं आज वही बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं गेहूँ का आटा 1 कप ले रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार, मंगरेला अजवाइन 1/2 टीस्पून, ऑयल ले रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए 1 बड़ा चम्मच, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। आटे में मोयन इतना चाहिए, मोयन यानी तेल इतना चाहिए ताकि जब इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से इसका मुट्ठी बंधा जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मुट्ठी बंधा जाएगा। तो मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ, तो जिस कप से मैं आटा ली थी उससे कप मुझे 1/3 पानी लगा था इसमें, मुझे इसे गूंथने में इतना टाइट मैं इसका डो बनाई थी, ताकि जितना टाइट आप डो बनाएंगे आटा का उतना ही आपका खस्ता कचौड़ी बनेगा। तो जो छोटा वाला चम्मच है उससे मुझे 2.5 कप
ढाई चम्मच पानी लगा है। ये देखिए दो चम्मच पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से गूंथती हूँ। अब इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। तब तक कुकर में चार सीटी लग चुका है और यहाँ पे आलू और मटर अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए आलू में क्रैक्स आ चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसे एक मैसर की सहायता से मैश कर ले रही हूँ। इसे मैश करके और फिर मैं एक सीटी लगाऊंगी। इसका ढक्कन बंद करके एक सीटी इसलिए लगाऊंगी ताकि ये जो अलग अलग आलू और वो मटर दिख रहा है ना, वो अच्छी तरह से एक ही में ऑब्जर्व हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और उसका टेक्सचर देखिएगा, जब मैं एक सीटी लगाऊंगी तो कितना बढ़िया उसका टेक्सचर दिखेगा। आटा भी बिल्कुल अच्छी तरह से, जो मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखी थी, हो चुका है। तो इसे दोबारा से मैं गूंथ ले रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा का डो लगा हुआ है। तो इसमें मैं सूखा आटा भी ले रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक सीटी लग चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है। फ्रेंड्स, ये रोटी में मुझे खाना था तो मैं यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा ही बनाई हूँ। अगर आप चाट छोले समोसे के साथ खा रहे हैं, कचौड़ी के साथ खा रहे हैं, तो आप इसमें गर्म पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो एक प्लेट में मैं सर्व करने के लिए थोड़ा सा छोला निकाली हूँ और प्याज, हरी मिर्च और नींबू के साथ इसे सर्व करूँगी, जो काफ़ी ही टेस्टी लगती है। तो जो चाट बना रही हूँ मैं रोटी में खाने के लिए, तो उसमें मैं कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट लेती मैं, और भुना हुआ जो लाल मिर्च और जीरा का पाउडर है उसे मैं डाल रही हूँ, काला नमक और इमली का जूस यहाँ पे डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें क्या क्या डाल करके खाना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल देने से ना रोटी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है। अब मैं रोटी के लिए लोइया ले रही हूँ और उसे गोल गोल कर करके आटा में, सूखा आटा में लपेट लूँगी और फिर इसे बेलूँगी। जब रोटी हम बनाते हैं ना तो बिल्कुल सॉफ्ट, धीरे धीरे हाथों से सॉफ्ट सॉफ्ट उसे बेलते जाएंगे तो चारों तरफ रोटी नाच नाच करके गोल हो जाता है। तावा को गरम होने के लिए रख चुकी हूँ मैं। तावा गरम हो चुका है, उस पर रोटी डाल देंगे। और एक तरफ से देखिए ये किस तरह से कलर चेंज हो गया, जब मैं रोटी बेल करके डाली थी तो कलर चेंज हो गया, तो इसे दूसरे साइड से पलट देंगे। और जब दूसरे साइड हल्का सा लाल तिलकने लगेगा तो इसे फुलाएंगे। मैं यहाँ पे कपड़ा की सहायता से फुला रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट गैस पर भी फुला सकते हैं या रोटी की सहायता से भी फुला सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डायरेक्ट गैस पर रोटी फुलाएं, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए कभी कभी तो चलो ठीक है, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता है। फर्स्ट टाइम जो मैं रोटी बनाई थी तवा थोड़ा कम गर्म था, तो मैं सेकेंड टाइम रोटी डाल रही हूँ और देखिएगा जब तवा अच्छी तरह से गर्म हुआ तो रोटी कितनी बढ़िया सा फुला फुला आएगा। ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल गुब्बारे जैसा रोटी फुला है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप कपड़ा से ही, कोई अच्छा सा साफ़ कपड़ा से ही आप रोटी को फुलाएं। तो खाने के लिए हमारा रोटी और चाट बिल्कुल तैयार है, एकदम से यम्मी और डिलीशियस। हमारे घर में तो सब बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खस्ता कचौड़ी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा आटा ड्राई है, तो मैं इसमें एक चम्मच पानी और ले रही हूँ। एक चम्मच पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, उसमें बस मुझे थोड़ा ही पानी लगा है और थोड़ा सा बच गया है। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है,
और अगर पूरा पानी डाल दीजिएगा तो डो चिकना बनेगा लेकिन उतना खस्ता कचौड़ी नहीं बनेगा जितना मुझे चाहिए। यहाँ पर मैं सभी आटे को लोइया टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा में काट ले रही हूँ। और ये मैं सत्तू, मेरे पास पहले से ही सत्तू था तो मैं उसे ही इसे डालकर बनाऊंगी। ऐसे सत्तू का मैं लिंक डाल दूंगी इसमें, क्योंकि पहले भी मैं लिट्टी चोखा का रेसिपी बिहारी स्टाइल में डाली हूँ वीडियो, तो उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी कि किस तरह से सत्तू बनाते हैं। मैं कचौड़ी का ना बहुत ही टाइट डो लगाई थी तो थोड़ा सा मेहनत लग रहा है मुझे इसे गोल गोल करने में, चिकना स्टफिंग इसको करना है इसमें, तो स्टफिंग करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे इतना डिलीशियस बनती है कि आप थोड़ी सी मेहनत भूल जाएंगे। और इस तरह से हल्के हाथों इसे एक से दो बार चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और किनारे किनारे हल्का सा क्रैक आ रहा है तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सत्तू बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये देखिए मैं जब दूसरा वाला बेली उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्रैक आ गया है तो मैं इसे इस तरह से सटा दे रही हूँ, चिपका दे रही हूँ। और यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें कचौड़ी को डाल करके इसे पका रही हूँ। फ्रेंड्स, जब कचौड़ी ये बनाते हैं तो बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो कचौड़ी बिल्कुल खस्ता नहीं बनेगा। फ्लेम का बहुत बड़ा रोल होता है कचौड़ी बनाने में। खस्ता कचौड़ी जब बनाना हो तो, या खस्ता कोई भी चीज़ बनाना हो तो फ्लेम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल पहले तो डालते समय ना मीडियम रखेंगे फ्लेम को, और जब डाल लेंगे थोड़ा सा हल्का सा इसकी सिकाई हो जाएगी तो फ्लेम को लो कर देते हैं। और लो करने के बाद धीरे धीरे आंच पे इसे गोल्डन होने तक मैं फ्राई कर रही हूँ। उलट पुलट कर बिल्कुल अच्छी तरह से इसे तल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया सा गोल्डन हो गया है, देख कर ही पता चल रहा है कि कितना क्रिस्पी और क्रंची बना हुआ है, कितना खस्ता बना हुआ है। ये देखिए काफ़ी खस्ता कचौड़ी बना हुआ है, तो देख कर ही मुंह में पानी आ गया है। यहाँ पर मैं सभी कचौड़ी को बना चुकी हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा कचौड़ी बना हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं कचौड़ी चाट बना रही हूँ। मैं यहाँ पे दूसरा बैच भी डाल रही हूँ। पहले तो मैं दो कचौड़ी इसी तरह से दूसरा बैच डाल के छोटा टुकड़ा मैं तोड़ लूंगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ मटर का जो चाट बनाई थी वो। यहाँ पर थोड़ा मेरा चाट ड्राई लग रहा है, चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं या फिर दही या इमली का जो जूस डालेंगे उससे भी थोड़ा हो जाएगा ढीला। इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इमली का जो जूस डाल रही हूँ वो, दही, और ये लाल मिर्च और जीरा पाउडर है उसका भुना हुआ है तो उसका मैं पाउडर बना ली थी पहले से ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे काला नमक डालेंगे, चाट मसाला डाल रही हूँ मैं, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमकीन डाल रही हूँ जिससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। और ऊपर से मैं धनिया का पत्ता से डेकोरेट कर दे रही हूँ। तो हमारी तीनों रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।